Welcome to the lecture of applied physics. Now in this lecture we will discuss chapter 3 about vectors addition and multiplication. So we will discuss about vectors and their representation, adding and subtracting vectors graphically, vector components, adding vector by components, unit vectors, vector multiplication, dot product and cross product. Achha, vector kya hota hai? A vector is a quantity that has both magnitude, size and direction. एग्जाम्पल्स इसकी क्या है जी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन. और स्केलर क्या चीज़ होती है जी, स्केलर इज़ अ क्वांटिटी दैट हैज़ नो डायरेक्शन एसोसिएटेड विद इट, ओनली अ मैग्नीट्यूड. यानी इसका जस्ट एक मैग्नीट्यूड चाहिए आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए. एग्जाम्पल्स इसमें क्या आती हैं जी, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम और मास. इसमें आपको किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, वैक्टर में आपको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है. अच्छा, वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एरोस. द लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड साइज ऑफ द एरर वेक्टर. अब इसमें देखें कि ये जो है, जो ब्लू, ये पर्पल वाला जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है. ओके, ये अब मैग्नीट्यूड इसका और ज़्यादा हो गया. डायरेक्शन सेम है ग्रीन के साथ, तो लाइक 20 मीटर पर सेकेंड. एंड फॉर द 50 मीटर पर सेकेंड वी हैव अ बिगर एरो एंड द एरो पॉइंट्स इन द अप्रोप्रिएट डायरेक्शन. अच्छा, अब ये जो है आपके पास एक वेक्टर है जो कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर है, सो दैट इज़ योर नॉर्थ वेस्ट. ओके, अच्छा अब जो है नेक्स्ट वी विल सी, अब ये वेक्टर आपका किस डायरेक्शन में है. दिस वेक्टर ब्लू वन इज़ इन योर ईस्ट डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन के अंदर है. ओके, अच्छा अब वेक्टर्स को आप ग्राफिकली ऐड कर सकते हैं. कैसे ऐड करते हैं जी, हेड टू टेल टूल के थ्रू. सो हैड टू टेल रूल विदाउट चेंजिंग द लेंथ और डायरेक्शन ऑफ एनी वैक्टर स्लाइड द टेल ऑफ द सेकेंड वैक्टर टू द टिप ऑफ द फर्स्ट वैक्टर. तो टेल ऑफ सेकेंड वैक्टर को आप टिप ऑफ फर्स्ट वैक्टर पर रखें. ठीक है, अब आपका जो रिजल्टेंट वैक्टर होगा वो पहले वैक्टर की टेल से सेकेंड वैक्टर के टिप तक होगा. ड्रॉ अनदर वैक्टर कॉल्ड रिजल्टेंट विच बिगेंस एट द टेल ऑफ द फर्स्ट वैक्टर एंड पॉइंट्स टू द टिप ऑफ द लास्ट वैक्टर. तो ये आपका रिजल्टेंट वैक्टर कहलाएगा. अच्छा, अब अगर आपने वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो जस्ट आपने क्या करना है कि ऐड करने के बजाय जो सेकंड वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को आप चेंज कर दें. तो जिस तरह से होता है ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ई प्लस इन टू माइनस बी. ओके, तो फर्स्ट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर यू आर सब्ट्रैक्टिंग एंड देन विदाउट चेंजिंग द लेंथ और द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर स्लाइड द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर टू द टिप ऑफ द फर्स्ट वेक्टर. ठीक है, नाउ दिस इज subtracting. Draw another vector called the resultant vector which begins at the tail of the first vector and points to the tip of the last vector. अच्छा जी, ये इसमें थोड़ा सा graphics का इसमें शो आया था. अच्छा जी, अब adding collinear vectors, vectors जो same जो है वो line के अंदर हैं, same line के अंदर इनकी direction same है, तो just इनको आप add कर सकते हैं just like scalars. तो ये आपके जो हैं दो vectors add up हो जाएंगे. ठीक है, और जैसे अगर इफ़ ए इज़ 8 बी इज़ 4 देन द रिजल्टेंट विल बी 12. ओके, इसमें हेड टू टेल रूल की ज़रूरत नहीं है आपको, जस्ट मतलब हेड टू टेल रूल ही लग रहा है वैसे तो, लेकिन इसमें जस्ट आप इनको स्केलर्स की तरह जो है वो ऐड कर सकते हैं इन वेक्टर्स को. और अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो ये बेसिकली वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे आपके बेसिकली. ओके, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि इफ़ सी इज़ 10 मीटर पर सेकंड और डी इज़ -3 क्योंकि ये 180 डिग्री ऑपोजिट है, तो ये -3 हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो अब जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये 10 प्लस इंटू -3 इट विल बी 7, रिजल्टेंट विल बी 7 मीटर पर सेकंड. अच्छा जी, इसकी एग्जांपल हम देखते हैं रियल लाइफ में कैसे होती है. जैसे एक आपके पास प्लेन है, उसकी डायरेक्शन है 100 किलोमीटर पर आवर के डाउनवर्ड्स, और विंड की वेलोसिटी भी डाउनवर्ड्स है 25 किलोमीटर पर आवर. तो दोनों वेक्टर आपस में ऐड अप हो जाएंगे और इट विल बिकम 125 किलोमीटर पर आवर. द प्लेन ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी रिलेटिव टू द ग्राउंड विच इज़ द वेक्टर सम ऑफ द प्लेन्स वेलोसिटी रिलेटिव टू द एयर प्लस द विंड वेलोसिटी. अच्छा जी, अब इसमें अगर डायरेक्शन विंड की ऑपोजिट है तो इसमें सब्ट्रैक्शन हो जाएगी. ठीक है, जैसे 100 प्लस 25, पहले 125 हो रहा था, अब 100 माइनस 25 जो कि 75 किलोमीटर पर आर आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी जहाज़ की. अच्छा जी, परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होते हैं. ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे हैं उनको परपेंडिकुलर वेक्टर्स बोलते हैं या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलते हैं. ठीक है, तो इसमें आप रिजल्टेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं. इसमें आप पाइथागोरियन थ्योरम जो है वो यूज़ कर सकते हैं. सिंस द वेक्टर्स फ्रॉम अ राइट ट्राइंगल यूज़ दी पाइथागोरियन थ्योरम.
ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर, ठीक है। सी सी आपका जो रेड वाला वेक्टर है ये वो है, ठीक है। और ए आप कह सकते हैं ये पर्पल वाला 10, और ग्रीन वाला आपका बी है। तो सी कैसे निकलेगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर अंडर रूट, दैट विल बी 10 स्केयर प्लस 6 स्केयर अंडर रूट, इट इज़ इक्वल टू 11.67। ओके अच्छा, अब ईच वेक्टर कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ इट्स एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। एक्स कंपोनेंट क्या होता है, जो डायरेक्शन जिसकी अलॉन्ग एक्स एक्सेस हो, और वाई कंपोनेंट क्या है कि जिसकी डायरेक्शन अलॉन्ग वाई एक्सेस हो। ओके, तो एक्स को हम हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी बोलते हैं, वाई को हम वर्टिकल कंपोनेंट भी बोलते हैं। इफ़ यू नो दी लेंथ ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, यू कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वैक्टर यूजिंग पैथागोरियन थ्योरम। तो इसमें जैसे ये वाली एग्जाम्पल अगर हम देखें, जिसमें जहाज़ जो है वर्टिकली डाउनवर्ड्स है 100, और आपकी जो विंड है वो 25 किलोमीटर पर आउटवर्ड्स वेस्ट है, तो अगर आप इस पे पाइथागोरियन लगा लें तो यू कैन फाइंड द रिजल्टेंट। ओके अच्छा, ड्रॉ द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड डिजॉल्विंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, मेक अ कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्लाइड द टेल ऑफ द वेक्टर टू द ओरिजिन। अच्छा, अब हम वेक्टर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन उनके कंपोनेंट्स के थ्रू भी कर सकते हैं, एक्स और वाई कंपोनेंट्स में। तो उसमें आप वेक्टर्स जो हैं उनको उनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में ले जाएं, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द एरो ऑफ द टिप टू द एक्स एक्सिस। तो ये देखें, दिस विल बी योर वाई कंपोनेंट, जिसमें आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू द वाई एक्सिस टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। दिस इज़ योर वाई कंपोनेंट, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, वाई, और हॉरिजेंटल कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्स कंपोनेंट। अब इस वेक्टर के हिसाब से ये थर्ड क्वाड्रेंट में वेक्टर है, तो इसमें इसका जो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट होंगे ना, दोनों नेगेटिव हैं। अगर आप गौर करें, इसके एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों नेगेटिव हैं, बिकॉज द वेक्टर इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो द कंपोनेंट मे बी ए नेगेटिव और पॉजिटिव और ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा जी, अब इसमें देखें, कैलकुलेटिंग द कंपोनेंट्स, हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कंपोनेंट्स इफ़ यू नो द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। अच्छा, अगर आपके पास वेक्टर है ए और उसका एंगल आपके पास आपको मालूम है थीटा, तो ए एक्स क्या होगा, ए कॉस थीटा, और ए वाई क्या होगा, ए साइन थीटा। ओके, तो साइन थीटा क्या चीज़ होती है, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज इज़ ए वाई ओवर ए, ठीक है। उसी तरह कॉस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज़ ए एक्स ओवर ए, और टैन थीटा इज़ ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ठीक है। तो इस तरह से अगर ए आपका 12 मीटर पर सेकेंड है, थीटा आपका 35 डिग्रीज़ है, तो आप क्या करो, आप 12 इंटू कॉस ऑफ 35 करोगे तो ए एक्स आ जाएगा, और 12 इंटू साइन ऑफ 35 करोगे तो ए वाई आ जाएगा आपका। ओके अच्छा जी, आर दीज कंपोनेंट्स पॉजिटिव और नेगेटिव। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किन किन कंपोनेंट्स, किन किन वेक्टर्स के कंपोनेंट पॉजिटिव होंगे, कौन कौन से नेगेटिव होंगे। जैसे ग्रीन वाला है, फर्स्ट वन है, इसका अगर आप देखें वाई कंपोनेंट पॉजिटिव होगा लेकिन एक्स नेगेटिव होगा। ब्लू वाले का जो राइट दूसरे वाला है, लाइट ब्लू, इसका जो है एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, वाई नेगेटिव होगा। जो रेड वाला है, इसके दोनों एक्स और वाई नेगेटिव होंगे। और जो ये आपका गोल्डन है वेक्टर फोर्थ वन, इसके दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव होंगे। ओके अच्छा जी, ये देखें 22 मीटर पर सेकंड और थीटा 50 है। आप इसमें देखें, एंगल जो थीटा है वो आप ले रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये एंगल क्या होगा, 180 माइनस 50, तो ये कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। तो आपने अगर इसको कैलकुलेट करना है वी एक्स और वी वाई, तो आप इस तरह से करेंगे, 22 इंटू कॉज ऑफ 130 और 22 साइन ऑफ 130। तो उससे आपका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव कंपोनेंट निकलेगा और वाई पॉजिटिव निकलेगा। या आप इस तरह भी कर सकते हैं, थीटा 50 रख के भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ये थीटा आपने जेन में रखना है कि अगर 50 आप ले रहे होंगे तो ये आपका ए एक्स नेगेटिव नेगेटिव आपने खुद से लगाना है इसके साथ, ठीक है। क्योंकि आपका जो ए एक्स निकलेगा ना, इस तरह से पॉजिटिव निकलेगा 50 डिग्री के साथ, लेकिन नेगेटिव फिर आपने खुद से लगाना होगा अपनी जजमेंट से, कि ये तो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट था और ये जो थीटा था ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नहीं था, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस से था मेरा। तो वी एक्स इज इक्वल टू, वी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी कॉस ऑफ थीटा, जैसे अब इसमें इन्होंने खुद से माइनस लगाया इसके साथ, तो दैट इज़ 20 माइनस 22 कॉस ऑफ 50, जिस -14.14.14 मीटर पर सेकेंड। और वी वाई क्या होगा, वी साइन थीटा, वी 22 साइन ऑफ 50, ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि सेकेंड क्वार्टर में वाई कंपोनेंट पॉजिटिव होता है। अच्छा, इसमें आप देखें वी वाई 16.85। अब अगर आपने एंगल निकालना है इसका, अगर आपने एंगल निकालना थीटा, थीटा तो खैर आपको यहाँ पे गिवन है। अच्छा, सपोज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हैज़ एन एक्स कंपोनेंट ऑफ 5 मीटर एंड अ वाई कंपोनेंट ऑफ -8। अब देखिए, एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। सो व्हाट एंगल डज दिस वेक्टर मेक विद द एक्स एक्सिस,
तो अब इसमें क्या होगा कि आपने एंगल निकालना है थीटा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, थीटा आप एक्स एक्सिस से निकालें टुवर्ड्स डाउनवर्ड तो इट विल बी माइनस थीटा, ओके। और अगर आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है तो ये 360 माइनस दिस एंगल होगा। तो अगर हम इसको सिंपली थीटा निकाल लें तो क्या होगा कि टेन इनवर्स वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट, यानी 8 ओवर y, ठीक है, 8 ओवर y। तो यहाँ से आप जो थीटा निकालेंगे ये -8 ओवर 5, तो यहाँ से जो थीटा निकलेगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। और ये हम अभी देखते हैं, जैसे ये देखें, अब यहाँ पे ये जो थीटा है ये नेगेटिव थीटा होगा, ठीक है। और अगर आपने इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है तो आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसको जो है वो क्या करना पड़ेगा, 360 माइनस दिस एंगल, सो दैट विल बी द एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। या आप इस ये थीटा ले लें फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस डाउनवर्ड्स, दैट विल बी यानी आपके क्लॉकवाइज एंगल, दैट विल बी इट विल बी नेगेटिव एंगल देन, ओके। वी आर गिवन दी साइड एडजेसेंट टू द एंगल एंड द साइड ऑपोजिट टू द एंगल विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुड बी यूज, टेन थीटा हमने यूज़ करना सिंपल। तो टेन थीटा इज़ -8 ओवर 5 यानी वाई ओवर एक्स, तो इसमें आप टेन थीटा इसके ऊपर लगाएं। अच्छा, अब वेक्टर्स को हमने ऐड करना होता है, एडिंग वेक्टर्स बाय कंपोनेंट्स, ठीक है। स्लाइड ईच वेक्टर टू दी ओरिजन, आप हर वेक्टर को ओरिजन पे ले जाएं और फिर उसको उसके एक्स और वाई में तहलील कर दें, ठीक है। रिजॉल्व ईच वेक्टर इंटू इट्स एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, ठीक है। जैसे ए वेक्टर था उसका ए एक्स और ए वाई निकालें, ठीक है, और बी वेक्टर था उसका भी बी एक्स और बी वाई निकालें। फिर इन दोनों को अगर आपने ऐड करना है ए प्लस बी, तो ए एक्स और ए ए प्लस बी विल बी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है, आयोटा आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर, यानी एक्स को एक्स कंपोनेंट में ऐड कर दें, वाई को वाई कंपोनेंट में ऐड कर दें, उससे क्या हो जाएगा आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा ए प्लस बी के फॉर्म में, ओके। द सम ऑफ ऑल एक्स कंपोनेंट्स इज़ द एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट, द सम ऑफ ऑल वाई कंपोनेंट्स इज़ द वाई कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट। अभी एक्स कंपोनेंट नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जैसे बी में जो बी एक्स होगा ये नेगेटिव होगा, बी वाई पॉजिटिव होगा। ए में ए एक्स और बी एक्स, ए एक्स और ए वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। अब जैसे ए आपका 18 है, इसका मैग्नीट्यूड है, और थीटा कितना है 20, तो ए 18 cos of 20, वाई क्या होगा 18 sin of 20, और बी आपका क्या होगा कि -15 cos of 40, ठीक है। कॉस माइनस आपने खुद से अपने पास से लगाना है, क्योंकि आपको पता है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस से एंगल लिया हुआ है, ओके। तो और वाई क्या होगा 15 sin of 40, तो इसमें आप देखें रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों को ऐड अप करें, ए और बी को, एक्स को कंपोनेंट्स को ऐड कर लें और वाई के कंपोनेंट्स को ऐड कर लें, तो ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। अच्छा, अब रिजल्टेंट का थीटा अगर आपने निकालना है, उसका एंगल निकालना, तो क्या करें, सिंपल टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, तो यूजिंग द कंपोनेंट्स ड्रॉ द रिजल्टेंट, ये आपका रिजल्टेंट निकल रहा है। और अल्फा अगर ये अल्फा इसको एंगल करते हैं, अल्फा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स 15.8 ओवर 5.42, ओके। तो इस तरह से जो है वो आप रिजल्टेंट वेक्टर जो है एक हेड टू टेल रूल के थ्रू भी निकाल सकते हैं, जो कि क्वाइट सिंपल हो जाता है अगर आपके वेक्टर्स लीनियर हो जाएं, कोलीनियर हो जाएं, और आप उनके जो रिजॉल्व करके भी निकाल सकते हैं वेक्टर्स को एक्स और वाई कंपोनेंट्स में, रिजल्टेंट वेक्टर को। अच्छा, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज़ अ वेक्टर दैट हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ एग्जैक्टली 1, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन द यूनिट माइट बी इन मीटर्स और मीटर पर सेकेंड। द यूनिट वेक्टर्स आर इन द पॉजिटिव एक्स वाई एंड जेड एक्सेस एंड आर लेबल्ड आई जे के, ठीक है। एक्स एक्सेस के अलॉन्ग जो ईस्ट है आई है, ठीक है, और वाई एक्सेस जो कि नॉर्थ होता है नॉर्मली जे है, और जेड एक्सेस के अलॉन्ग क्या होगा के। अच्छा, अब जैसे एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिट वैक्टर्स क्या होता है कि 3i + 2j, तो पोजिशन वैक्टर अगर आपका है आर इज इक्वल टू 3i + 2j इज द वन हुज एक्स कंपोनेंट इज 3 units, वाई कंपोनेंट इज 2 units, ओके। और वेलोसिटी वैक्टर क्या है, 3ti - 4j, ठीक है, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या है 3t और वाई कंपोनेंट क्या है -4। अब 3t का मतलब ये कि टाइम डिपेंडेंट है, सो यू कैन कैलकुलेट वी ऑफ 0 एट टाइम t इज इक्वल टू 0, वी ऑफ 1 एट टाइम t इज इक्वल टू 1, वी ऑफ 2 एट टाइम t इज इक्वल टू 2। अच्छा जी, अब सपोज द पोजिशन वैक्टर अगर आपके पास है मीटर्स के अंदर ऑफ एन ऑब्जेक्ट वॉज गिवन एज आर इज इक्वल टू 3t³ आई ओटा आई यूनिट वैक्टर प्लस माइनस -2t² - 4t इंटू जे यूनिट वैक्टर, यानी इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो 3t³ है और वाई कंपोनेंट -2t² - 4t है। ये आपके पास क्या है, पोजिशन वेक्टर है, एक्स वेक्टर है। वी कैसे निकालते हैं जी, डेरिवेटिव ऑफ द पोजिशन वेक्टर, और अगर आपने एक्सेलरेशन लेना तो फिर वेलोसिटी वेक्टर का डेरिवेटिव ले लें,
ठीक है, व्हाट इज़ ए इट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ वी। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पिछले जो है चैप्टर के अंदर कि हमने कैसे इसको निकालना होता है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। जब आप ये निकाल लेंगे वी वेक्टर और ए वेक्टर, जैसे वी वेक्टर क्या होगा 9t² iota और प्लस इंटू ब्रैकेट के अंदर -4t -4j यूनिट वेक्टर। अब उसमें टी की जगह आप 2 पुट कर दें तो वो आपके पास वेलोसिटी एट 2 सेकंड पे आ जाएगी। इसी तरह एक्सेलरेशन निकालें वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेके, तो उसमें फिर टी की जगह 2 पुट कर दें तो वो एक्सेलरेशन आपका 2 सेकंड के ऊपर आ जाएगा। तो प्लग इन 2t = 2 पैथागोराइज आई एन जे एंड देन यूज़ आर्क टेन टेन इनवर्स टू फाइंड दी एंगल। अच्छा जी, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि वेक्टर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर मल्टीप्लाइंग स्केलर बाय अ वेक्टर, ठीक है। स्केलर इनटू वेक्टर इज़ अनदर वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, जैसे फोर्स जो है फोर्स F = ma, ठीक है। एक्सेलरेशन वेक्टर को m से मल्टीप्लाई किया तो वो फोर्स बन गई। द स्केलर ओनली चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड चेंज होगा डायरेक्शन नहीं चेंज होगी। डायरेक्शन अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें फिर 180 डिग्री चेंज हो जाएगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर विद विच इट इज़ मल्टीप्लाइड एंड ए आर ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा जी, अब उसके बाद आते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ये होता है कि कोई से दो वेक्टर्स जो अगर आपके पास हैं, अगर आपने उनका प्रोडक्ट लेना है तो आपके पास दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि दोनों उससे एक स्केलर आपको रिजल्ट मिलता है, वो अभी हम देखते हैं क्या होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि एक वेक्टर आपको रिजल्ट करता है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर डॉट वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर। अब इसकी एग्जांपल देखें, एफ डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है। वर्क डन जो होता है वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू दी वर्क डन और एनर्जी के जो यूनिट होते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर क्रॉस वेक्टर इज अनदर वेक्टर जिसमें आर क्रॉस एफ वेक्टर इज इक्वल टू टॉ वेक्टर, ठीक है। अब इसमें आप डॉट प्रोडक्ट देखें, ए डॉट बी ए बी कॉज ऑफ थीटा, इसके जो इसको जो रिजॉल्व अगर हम करें तो ये बनता है इसका फॉर्मूला ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। थीटा क्या, इट इज़ अ एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। स्केलर और रिजल्ट क्या होगा, इट विल बी अ स्केलर लाइक ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वैक्टर्स। तो इसमें जैसे ए वैक्टर अब आपका 6 है बी 4 है तो इनको मल्टीप्लाई करें, ए 6 × 4 और कॉज ऑफ थीटा, तो इसके इनके दरमियान एंगल कितना है 100 का एंगल, तो कॉज ऑफ 100 ग्रेटर दैन दी 90 डिग्री, तो 6 × 4 कॉज ऑफ 100, तो ये -4.17 आ गया। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट यील्ड्स अ वेक्टर विद बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब इसमें राइट हैंड रूल के थ्रू आप रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। जैसे ए क्रॉस बी में क्या होगा कि राइट हैंड रूल लगाएंगे आप ए के विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ए क्रॉस बी आपके पास जो थंब होगा वो डायरेक्शन पर रिप्रेजेंट करेगा। अभी हम देखते हैं उसको। मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, तो 6 × 4 × sin of 100 दैट विल बी 23.64, ठीक है। ए क्रॉस बी में क्या लगेगा, ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी में लगेगा ए बी कॉस थीटा, और ए बी कॉस थीटा एक स्केलर होगा और ए क्रॉस बी एक वेक्टर आपके पास रिजल्ट होगा जिसकी डायरेक्शन आप निकालेंगे इस राइट हैंड रूल से। तो यूज़ द राइट हैंड रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर ए क्रॉस बी। तो आप देख लेंगे थंब जो है वो ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन यूजिंग यूनिट वेक्टर नोटेशन, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट्स फॉर द यूनिट वेक्टर्स। अब देखें आई क्रॉस जे अगर आप करें तो राइट हैंड रूल लगाएं तो वो के यूनिट वेक्टर बनता है, ओके, अलॉन्ग सेट एक्सेस, और जे के आई इज इक्वल टू जे। और अगर आप उल्टा चलें जे क्रॉस आई तो वो माइनस के बनता है, यानी ऑपोजिट ऑफ के, यानी ऑपोजिट ऑफ जेड जेड एक्सेस, तो के क्रॉस आई माइनस जे और आई क्रॉस के इज माइनस। तो इसका एक रूल होता है जिसमें आप लिखें आई जे के, तो अगर आप लेफ्ट से राइट को जा रहे हैं तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर आप राइट से लेफ्ट को जाएँ तो आंसर होगा नेगेटिव। जैसे के क्रॉस जे इट विल बी माइनस आई, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, ठीक है। पॉजिटिव में क्या होगा, आई जे, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, ओके। अच्छा, फॉर डॉट प्रोडक्ट्स ओनली कोलिनियर कंपोनेंट्स यील्ड अ नॉन जीरो आंसर, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट अगर आप लें और कोलिनियर कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है कि जो सेम डायरेक्शन में हो, यानी कोलिनियर हो, यील्ड अ नॉन जीरो आंसर। फॉर एग्जांपल जैसे 3i.4i, अब i और i सेम डायरेक्शन में, तो कॉज ऑफ जीरो क्या होता है 1, तो ये मैक्सिमम इसकी वैल्यू आएगी। तो 3 × 4 × 1, 1 की कोई हैसियत नहीं है, तो 3 × 4 मीन्स 12 इसका आंसर है, ठीक है। नॉट i, द डॉट प्रोडक्ट यील्ड्स अ स्केलर, तो 3i × 4i। अब अगर क्रॉस लें तो आपको पता है कि i और i में एंगल क्या होगा, जीरो, तो साइन ऑफ जीरो विल बी जीरो,
ओके तो 3i × 4i इज़ ज़ीरो, यानी इस पैरेलल वेक्टर्स या कोलिनियर वेक्टर, हम कोलिनियर कहें, अगर कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा कि नॉन ज़ीरो होगा और मैग्नीट्यूड आ जाएगा उनके जो इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करके, और उनका अगर आप क्रॉस लेंगे तो वो ज़ीरो आएगा उसका आंसर। वाई अभी उसका आंसर है 3 × 4 cos of 0 = 12 एंड 3 × 4 sin of 0 = 0। सो फॉर क्रॉस फैक्टर्स ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स यील्ड अ नॉन ज़ीरो आंसर। अगर क्रॉस फैक्टर्स हैं तो फॉर एग्जांपल अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेक्टर्स हैं आपके ऑर्थोगोनल हैं तो उसमें एंगल कितना होगा 90, तो कॉज ऑफ 90 क्या होगा 0 और साइन 90 क्या होगा 1। अब इस केस में क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा और क्रॉस प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, यानी मीन्स 1 नहीं हो जाएगा मतलब नॉन ज़ीरो आ जाएगा, मतलब मुझे साइन ऑफ 90 1 हो जाएगा इसमें। तो 3i·4j इट विल बी 0 एंड 3i × 4j इज इक्वल टू 12k। तो ये एक फार्मूला आप यूज़ भी कर सकते हैं कि आपको कोई से दो वेक्टर दिए जाएं और कहा जाए कि जी ये वेक्टर बता दें कि जी ये वेक्टर कोलिनियर हैं या नहीं हैं, तो वो आप डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, कि वो वेक्टर कोलिनियर हैं या वो परपेंडिकुलर हैं, ये भी प्रूव कर सकते हैं कि वेक्टर ऑर्थोगोनल हैं या परपेंडिकुलर हैं, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट से आप प्रूव कर सकते हैं। सो बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट यील्ड्स वेक्टर्स बाय 3 × 4 cos of 90 दैट विल बी 0, 3 × 4 sin of 90 विल बी 12। डायरेक्शन इज अलॉन्ग दी के एक्सिस, आई क्रॉस जी आपको पता है कि के होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो मैग्नीट्यूड होगा वो 12 होगा और उसकी डायरेक्शन होगी अलॉन्ग के एक्सिस के, यानी के अलॉन्ग जेड एक्सिस, तो के यूनिट वेक्टर, जेड एक्सिस से हमें कहना चाहिए, तो ये के यूनिट वेक्टर है। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर, जिसमें हमने जो है वो वेक्टर्स के ऊपर डिस्कशन की, उनको हेड टू टेल रूल देखा, फिर कोलिनियर वेक्टर्स देखे, फिर उनको रिजॉल्व करना देखा कि उनके कंपोनेंट्स पे भी हम उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, और फिर रिजॉल्व करके फिर हम वेक्टर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी उसके थ्रू कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीक, वी विल मीट नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।